तमने ये देखा एलियंस का ये, तो तमने ये फोटो ली थी, आप देख सकते हो। दिल्ली के आसमान में लोगों को उड़ता दिखा यूएफओ। वायरल तस्वीर देख डरे लोग। यूएफओ अज्ञात उड़ने वाली वस्तु जैसा दिखता है। तस्वीरें यूएफओ की तरह लग रही थी और इसने लोगों का ध्यान भी खींचा। दिल्ली के रहने वाले लोगों ने आसमान में उड़ने वाली उड़न तस्तरी यूएफओ देखकर चकित रह गए। तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट को देखने के बाद हजारों यूजर्स चकित रह गए। आसमान में दिखने वाली ये चीज़ अंतरिक्ष यान जैसी दिख रही थी, मानो एलियंस अपने यान से धरती पर आ रहे हों। हमारे संवाददाता ने यूएफओ को देखने वाली लड़की से जानने की कोशिश की कि उनको क्या दिखाई दिया। देखिए हमारे संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज शर्मा, हिंद फोकस न्यूज से। समय समय पे आपने देखा होगा कि अंतरिक्ष से, या पढ़ा होगा कि अंतरिक्ष से कुछ प्राणी आते हैं जिन्हें यूएफओ कहा जाता है। नासा और अंतरिक्ष एजेंसियां इनके बारे में जानकारियां, डेटा जुटाने की भी कोशिश करती है कि ये अंतरिक्ष से आने वाले प्राणी कौन है, क्या है, और ये हमारे वायुमंडल में या हमारी धरती पर इनका आने का उद्देश्य क्या होता है। कुछ इस तरह की घटनाएं समय समय पे होती रही हैं भूतकाल में, और अभी वर्तमान में एक घटना जो सामने आई है दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके में, जहाँ पे एक छोटी सी लड़की, 15 साल की लड़की जिसका नाम अंशु है, उसने एक यूएफओ को देखा अंतरिक्ष में। वो प्रकट हुआ, उस लड़की के सामने प्रकट हुआ, उसकी मम्मी और उसकी छोटी बहन ने भी देखा, उनके सामने वो प्रकट हुआ, और कुछ ही देर में देखते ही देखते आंखों से बहुत तेजी से ओझल हो गया। तो आइए जानते हैं उस लड़की कि वो छत, उन्होंने जैसा कि अपनी छत से देखा था, तो वो अपनी छत पे क्या कर रही थी और वो क्या उस समय का नज़ारा था। तो आइए जानते हैं अंशु से। हाँ तो अंशु, जब आप ये यूएफओ का, जैसे आपने बताया कि आपने देखा है, तो आप कहाँ थे छत पे? जैसे आपने बताया छत पे आप आए थे, तो छत पे कहाँ थे और क्या कर रहे थे, एक बार आप हमारे चैनल को बताएं। जी, मैं छत पे कपड़े उतारने आई थी और मैं लेफ्ट साइड में खड़ी हुई थी, तो मैं राइट से देखा कि राइट से वो आ रहा है, और ज़्यादा मैं इतना फोकस पहले नहीं किया था, बट बाद में जब मैंने देखा कि हाँ ये कुछ लग रहा है, तो मैंने उसका फ़ोटो क्लिक किया। फिर 2-3 मिनट तक वो था, मैंने मम्मी को जल्दी से बुलाया कि मम्मी आओ जल्दी से, कुछ दिख रहा है। तो फिर मम्मी जब तक आई, तब तक मम्मी ने देखा थोड़ा सा ही, फिर उसके बाद वो अचानक से स्काई में गायब हो गया। जो आपने देखा, जैसे आप बता रहे हो कि आपने वो आकृति देखी, उस आकृति का, वो किस तरह की आकृति थी और उसके अलावा वो किस तरह से दिख रहा था, मतलब उसमें कुछ रोशनी थी या अंधेरा था या क्या था, वो उस बारे में भी आप बताओ। उसमें थोड़ी सी लाइट थी, और लाइट भी थी, एंड उसमें दिख रहा था कि थोड़ी लाइट स्लोली आवाज आ रही थी, एंड वो सी टाइप का था। सी टाइप का, अर्धचंद्राकार। अच्छा, और उसके बाद आपने क्या किया? फिर उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, ओनली फ़ोटो खींचा। फिर बाद में मम्मी को जब तक बुलाया, मम्मी ने थोड़ा बहुत ही देखा था, तब तक वो क्योंकि गायब होने वाला था तो गायब हो चुका था। फिर उसके बाद क्लियर मम्मी ने फ़ोटो में देखा था। अच्छा, आपके साथ उस समय कौन कौन थे जब आप ये छत पे ये यूएफओ देखा आपने, आपके साथ छत पे कौन कौन थे? ओनली मेरी छोटी सिस्टर थी। लेकिन इनकी, अंशु की मम्मी से जानते हैं, इन्होंने भी, जैसे अंशु ने बताया कि इन्होंने भी देखा, तो उनकी मम्मी से जानते हैं उन्होंने क्या देखा और उनकी क्या प्रतिक्रिया है। मैं जरा ऊपर आई थी छत पे, तो मैंने थोड़ा सा ही देख पाई थी, जब तक गायब हो गया था। अच्छा, आपके देखते देखते गायब हो गया। तो उसकी आकृति किस तरह की थी? वो इस तरीका से दिख रहा था, बस हल्का सा दिखा था, फिर गायब हो गया था। अच्छा, तो जैसे दोस्तों इन्होंने बताया और देखा, तो आप समझ सकते हैं कि ये अंतरिक्ष के प्राणी हैं जो हमारी धरती के बारे में इंटरेस्टेड हैं, हमारे से संबंध बनाने के लिए जो आते हैं ये, और वो एरिया हम आपको दिखाते हैं। जैसे अच्छा, आपने जो देखा था वो आकाश में किस तरफ दिखा था, आप थोड़ा सा बताएंगे? वो राइट से आ रहा था, एंड यहां पे डायरेक्ट इसी पोजीशन पे मुझे दिखा था वो, एंड वो मून को क्रॉस करके वो गया था। अच्छा, मून को क्रॉस करता हुआ गया था। दोस्तों आप हमारे साथ हमारे चैनल पे बने रहें, इसी तरह की रोमांचक जानकारियां, तरह तरह की जानकारियां हम आपको समय समय पे देते रहेंगे, और साथ ही हम यही कहेंगे कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें।